सुनिए गुलजार की नज्म कारवां 2.0 पर। यह है कारवां क्लासिक, गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। और आज के इस बड़े ही निराले एपिसोड में हम बात करेंगे भाई चार कलाकारों की, जिनमें से एक तो जोड़ी है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, महान गायक मोहम्मद रफी साहब और महानायक धर्मेंद्र साहब। तो इन चारों के बारे में कुछ बातें जो हैं आज के इस एपिसोड में बांटी जाएंगी। और ये जो तमाम गाने हैं, मैं शुरू में एक बात साफ कर दूं कि सारेगामा कारवां जो 5000 गानों का नायाब तोहफा है, उसमें से मैं चुन के लाया हूँ। अब देखिए, धर्मेंद्र साहब के जीवन की तरफ रुख करें तो बड़ी अजब अजब बातें सामने आती हैं। एक बार इन्होंने अपनी माँ से कहा, यह किस्सा बहुत लोगों को मालूम भी है, कि माँ मुझे एक्टर बनना है। तो इनकी माँ ने कहा, बेटा ऐसी बातें मत कर धर्म, तेरे बाबूजी जो हैं वो तेरे साथ साथ मुझे भी डांटेंगे कि बच्चे को क्या सिखा रही हूँ। तो धर्मेंद्र साहब का ज़रा चेहरा उतर गया। तो माँ ने कहा, देख बेटा ऐसा है, तू अपना इतना मायूस मत हो, तू क्यों नहीं एक अर्जी दे देता, लिख के एक एप्लीकेशन दे दे, क्या पता तेरा काम बन जाए। और ठीक वैसा हुआ भी। इन्होंने जो कॉन्टेस्ट था, रियलिटी कॉन्टेस्ट था उस ज़माने में, जहाँ पे नए एक्टर्स और नई एक्ट्रेसेस को ढूंढा जाता था, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ये काम करते थे, तो वहाँ पे अपनी कुछ तस्वीरें भेजी और वहाँ से बात बन गई, इनका सिलेक्शन हो गया। पर जब ये मुंबई आए, उस ज़माने में मुंबई कहा जाता था, तब बड़े ही अजब कमेंट्स जो हैं इन्हें अपने बारे में सुनने को मिले, जिनमें से एक ये था कि भाई यार ये आदमी जो है ये एक्टर कम लगता है, ये तो हॉकी प्लेयर ज़्यादा लगता है, इसके हाथ देखो, इसका चेहरा मोहरा देखो, ये तो हॉकी प्लेयर ज़्यादा लगता है, इस तरह की बातें भी हुआ करती थी। लेकिन उस ज़माने के महान फिल्म मेकर बिमल रॉय ने इन तमाम बातों पर कतई ध्यान नहीं दिया। वो बड़े ही प्यार से धर्मेंद्र साहब को अपने पास रखते थे, और फिर फिल्म बंदनी में मौका भी मिला और इन्हें बड़े प्यार से बुलाते थे, धर्मेंदु आओ भाई साथ में बैठ के खाना खाओ। इस तरह का व्यवहार भी धर्मेंद्र साहब ने देखा, और यही वजह रही कि आगे जाकर ये बहुत बड़े स्टार बने और सुपरस्टार बने। तो ये बड़ी अजब अजब चीज़ें रही हैं इन कलाकारों के साथ। ऐसे और भी कुछ बड़े निराले किस्से इन दिग्गज कलाकारों की ज़िंदगी से जुड़े जो हैं, वो मैं आज के इस एपिसोड में आपसे बांटूंगा, आपके साथ बांटूंगा। और बड़े ही अनोखे गाने हैं साहब, इन पे भी ज़रा गौर फरमाते हैं, ये गाने तो बेमिसाल हैं। सुनिए साहब इन गानों को सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर।
काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। मेरे यार ए हुस्न वाले, ए मेरे यार ए हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने आज मौसम, ओ आज जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना, हो रब्बा इतनी सी बात न जाना, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, मैं जट यमला पगला दीवाना, हो रब्बा इतनी सी बात न जाना, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में, उस
किसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में, रेशमी दुपट्टा फेंका पीन के हुलार में, मेले में अकेले फिरी बाजार सारे में, कौन सा बनाया ना बहाना बहाना बहाना, यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैंने प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैंने प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना, ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना, जुल्फों के घूंघट में मुकड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैंनु प्यार करती है, साडे उत्ते ओ मरती है, के ओ मैंनु प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरती है, मैं जट यमला पगला दीवाना। गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप कारवां क्लासिक पर, और इस एपिसोड में धर्मेंद्र साहब, रफ़ी साहब और महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जो कॉम्बिनेशन है वो उसके गाने आपको सुनने को मिल रहे हैं। और ये तमाम गाने मैं सारेगामा कारवां जो 5000 गाने का जो नायाब तोहफा है उसमें से चुन के लाया हूँ। हालाँकि सारेगामा कारवां में गीतमाला की छाँव में जो है वो अमीन सयानी साहब का जो कलेक्शन है वो बड़ा दिल में घर कर जाता है तमाम गानों के साथ साथ, जाहिर सी बात है, तो उस पर भी गौर जाहिर सी बात है फरमाना ही चाहिए। अभी ज़रा रुख करते हैं रफ़ी साहब की ज़िंदगी की तरफ। पहले तो ये बात मैं साफ़ कर दूँ, ये अमूमन कहा जाता है कि भाई पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं, मैं ये मानता हूँ कि संतान के पाँव पालने में नज़र आते हैं, इस बात को ऐसे कहना चाहिए। अब रफ़ी साहब के साथ हुआ क्या कि ये बहुत छोटे ही थे और गाने का ज़रा इन्हें शौक़ था, और एक मरतबा जो है इनके इलाके में केएल सहगल साहब का शो था, इत्तफाकन जो है वो बिजली जो है वो नहीं थी और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गए, तो रफ़ी साहब के भाई ने कहा कि भाई अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो, ऑर्गेनाइज़र से कहा कि जब तक ये सब कुछ दुरुस्त होता है तब तक यदि मेरा भाई कुछ गाने गा दे तो कैसा रहेगा। तो ऑर्गेनाइज़र्स ने कहा भाई अच्छी बात है, क्राउड के सामने कोई लड़का खड़ा होकर गाने गा देगा, अच्छी बात है। तो इस तरह से रफ़ी साहब को मौका मिला था। पहला, उस ज़माने में केएल सहगल साहब सुपरस्टार थे, एक पूरी पीढ़ी थी जो केएल सहगल बनना चाहती थी, और सहगल साहब के कार्यक्रम में तकनीकी खराबियाँ आईं और रफ़ी साहब को गाने का मौका मिला, और तभी बता दिया था इन्होंने कि साहब मुझ में दम खम है, मैं आ रहा हूँ और छा जाऊँगा, बादशाह बन जाऊँगा गायकी की दुनिया का। और ठीक रफ़ी साहब ने वैसा ही किया और किस्मत ने भी साथ जो है वो निभाया है। ये बड़ी अनोखी दास्तां, और ऐसी और भी बड़ी कुछ ज़बरदस्त कहानियाँ जो हैं आज के इस एपिसोड में आपके साथ बांटी जाएंगी, और ये बड़े ही निराले गाने सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, झिल मिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, सावन होगा।
से सजाएंगे बगिया से सुंदर वो बन होगा रिमझिम बरसता सावन कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और एंजॉय कर सकें। लगता नहीं हम क्या
करें। तुम्हें कह दो अब ऐ जाने अदा हम क्या करें। अपने भी पराए भी मोहब्बत ही कलम तन्हा नहीं हम क्या करें। तुम्हें कह दो अब ऐ जाने अदा हम क्या करें। उसे अपनी वफा दे दूं। तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना बता दे दो कि अब तन्हा सफर कटता नहीं हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें। ये कारवां क्लासिक गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप और बड़े ही जबरदस्त गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के रफी साहब के गाए हुए और डुएट्स भी हैं कुछ और धर्मेंद्र साहब की फिल्मों के ये गाने धर्म जी पे फिल्म है ये गाने। अभी जरा मैं रुख करना चाहूंगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी की तरफ। अब देखिए इसमें ये दोनों ही बड़े दिग्गज कलाकार एक मैंडोलिन प्ले करते
थे, मतलब लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल साहब, वायलिन का हिसाब किताब था, वो बहुत ज़बरदस्त वायलिनिस्ट। लक्ष्मी जी का जीवन जो है बड़ी मुफलिसी में भी था, प्यारे जी का भी। और एक किस्सा जो मुझे इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है कि लक्ष्मीकांत जी के पिताजी एक मिल में काम किया करते थे, और अक्सर जो है आधी रात के वक्त जब ये आते तो आधी रात के वक्त जो है वो लक्ष्मी जी को उठाते, लक्ष्मी उठ जा। लक्ष्मीकांत जी जो हैं एकदम नींद से उठते, आंखें मलते हुए पूछते हुए, पिताजी क्या हुआ? तो उठ जाओ, चलो अपना मैंडोलिन की प्रैक्टिस करो, चलो रियाज करो। और इनके भाई को भी इस तरह की बातें कहते, लेकिन लक्ष्मी जी पर ज़रा गहरा असर पड़ता और ज़्यादा असर पड़ता। और लक्ष्मीकांत जी जो हैं वो उस वक्त आधी रात के वक्त उठते और मैंडोलिन की प्रैक्टिस करते। वो जो आधी रात के वक्त इन्हें उठाया गया और कहा गया कि नहीं रियाज करो, भले ज़रा तलखी से कहा गया, पिताजी ने जिद में कहा कि करो रियाज, तो वो रियाज जो है वो इनके साथ ताउम्र चलता रहा। देखिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और कभी कभी कठिनाइयाँ जो आपसे मेहनत करवा रही होती हैं उसका नतीजा क्या होगा इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। उस वक्त तो बड़ा परिश्रम होता है और बड़ा कठिन रहता है समय, पर आगे जाकर वही रियाज जो है लक्ष्मी जी का उसने साथ निभाया, और महानतम संगीतकारों में से ये जोड़ी जो है वो उभर कर आई। देखिए बचपन में इस तरह की चीज़ें रहीं इन लोगों के जीवन में, और फिर ये किस्से बन गई, कहानियाँ बन गई, सुनाने में भी मज़ा आता है, सुनने में भी मज़ा आता है। और इनके गाने तो आहा क्या कहना, ये बेमिसाल बेजोड़ गाने हैं, तो इन गानों का भी हम आनंद ले रहे हैं, और ज़रा किस्सा कोई भी आपका साथ निभाएगी, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। दिल इंसान का एक तराजू, दिल इंसान का एक तराजू, जो इंसाफ को तोले अपनी जगह पर, प्यार है कायम घर की अंबर डोले, सबसे बड़ा सच एक जगत में, भेद अनेक जो खोले प्रेम बिना जीवन सूना, ये पागल प्रेमी बोले किया जा तेरी याद आई, किया जा तेरी याद आई, किया जा तेरी याद आई, ओ बाला हर जाई, किया जा तेरी याद आई, किया जा तेरी जा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई, के आ जा तेरी याद आई, के आ जा तेरी याद आई। फुर्सत भी है मौसम भी है, फुर्सत भी है मौसम भी है,
मन है रंग रलियों में चुप गई है तू खुशबू बन के शायद इन कलियों में मैंने तुझको कितना ढूंढा आवारा कलियों में ये आवाज लगाई के आ जा तेरी याद आई के आ जा तेरी आई होप यू आर एंजॉइंग द शो. इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें. साथिया साथिया नहीं जाना के जीना लगे साथिया नहीं जाना के जीना लगे मौसम है सुहाना के जीना लगे साथिया नहीं जाना के जीना लगे साथिया नहीं जाना के जीना लगे.
कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। कुछ बड़े ही जबरदस्त गाने और कुछ बड़े निराले किस्से आपके साथ बांटे जा रहे हैं। जरा भी रुख करते हैं रफ़ी साहब के निजी जीवन की तरफ। देखिए, इनकी गायकी से तो हम सभी मुतासर हैं और बड़ा गहरा असर रफ़ी साहब की गायकी ने जो है वो पीढ़ियों पर छोड़ा है और सदा सदा के लिए ये असर जो है वो बरकरार रहेगा। लेकिन एक बड़ी अजब बात थी रफ़ी साहब की तबीयत में। होता क्या था कि इनके बच्चे जो हैं यूँ तो अपने अब्बा से बेहद मोहब्बत करते, लेकिन कभी कभी ना ज़रा पीछे भी हटते थे। और चक्कर क्या था कि रफ़ी साहब क्या थे भैया, अपने जैसी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो तो अपने परिवार के पास जाएं, अपने बच्चों से के पास जाएं, बीवी से बात करें, और कभी ज़्यादा वक्त हो तो अपने बच्चों से कहते चलो भी लो आओ मैं तुम सब लोगों को फिल्म दिखा के लाता हूं। तो जब फिल्म की बात आती तो बच्चे जो हैं ज़रा बिदक जाते, पीछे हटते। तो इनकी अम्मी कहते भाई क्या बात है, तुम्हारे अब्बा समय निकाल के आए हैं, तुम जाओ फिल्म क्यों नहीं देखने जाते हो। तो फिर बच्चे जो हैं वो अपनी माँ से ज़रा दबी जबान में शिकायत करते और कहते हैं अम्मी अब्बा के साथ फिल्म देखना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। वो कहते क्यों, कहते पहले तो ये कह देते हैं कि देखो कोई मुझे पहचाने ना, इसलिए जब फिल्म शुरू हो जाएगी उसके 15 मिनट के बाद हम हॉल में जाएंगे और जब फिल्म ख़त्म होने वाली होगी उसके 15 मिनट पहले हम बाहर आ जाएंगे। तो अब्बा यही करते हैं, बता देते हैं कि देखो फिल्म में यही होने वाला, कुछ और होगा नहीं, ये एंड होगा इसका, चलो 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 बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो। तो जितनी भी फिल्में हमने अब्बा के साथ देखी हैं उसके शुरुआत और उसका अंत हमें मालूम नहीं है, इस वजह से हम ज़रा अब्बा के साथ फिल्म देखने में ज़रा कतराते हैं। तो ये एक बड़ा अजब जो एक जिसे कहते हैं ना आस्पेक्ट रहा रफ़ी साहब की पर्सनालिटी का, और थे तो खैर बड़े ही शर्मीले और ये बात तो जग जाहिर है। ये बड़ा निराला सा किस्सा आपके साथ बांटा है। अब ज़रा गानों की तरफ रुख करते हैं सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। छलकाए जा आइए आपकी आँखों के नाम होठों के नाम, छलकाए जाम आइए आपकी आँखों के नाम होठों के नाम, आँखों के नाम होठों के नाम। जलवे ये रंग भूखे, ये रंग भूखे, आज जाम में उठे इन होठों को छूके, होठों को छूके, लचकाइए शाख बदन महकाइए, जुल्फों की शाम छलकाए जा आइए आपकी आँखों के नाम होठों के नाम। अजनबी कोई नहीं ये है आपकी महफिल तमाम, छलकाए जा आइए आपकी आँखों के नाम होठों के नाम। कौन हर किसी की बाहें बाहें
आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। जिंदगी का स
सवाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। ये है कारवां क्लासिक, गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। आज मोहम्मद रफी साहब, धर्मेंद्र साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के जो गाने हैं वो आप सुन रहे हैं इस एपिसोड में। अब ज़रा एक बड़ा अजब सा किस्सा है, उसकी तरफ भी रुख किया जाए, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये तमाम गाने जो हैं वो मैं चुनके लाया हूँ सारे गामा कारवां, जो 5,000 गानों को नया तोहफा है ना, बड़ा गिफ्ट देने में बड़ा मज़ा आता है ना, कमाल की कलेक्शन है साहब, उसमें से चुनके लाया है। बड़ा कठिन काम, लेकिन कभी कभी जीवन में कठिन काम भी करने ही पड़ते हैं। अभी ज़रा मैं लेके चलता हूँ आपको उस दौर में जहाँ पर एक अजब दुर्घटना घटने वाली थी, एक ऐसी दुर्घटना जिसकी वजह से धर्मेंद्र साहब का चेहरा पूरी तरह खराब हो जाता। हाँ, और बहुत त्रासद वो दुर्घटना होती। देखिए हुआ क्या, एक फिल्म रही फूल और पत्थर, अब उसकी शूटिंग चल रही है। उस ज़माने में जब स्टंट सीन्स किए जाते थे, ख़ास तौर पे आग जलाने वाले सीन्स, तब बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते थे फायर को, वो सिस्टम्स ही नहीं थे, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। और बेबी फरीदा के साथ ये सीन था धर्मेंद्र साहब का, अब आग जो है वो जल रही है और ये किसी तरह से बचाने का वो सीन है, आग से बचकर वो आएंगे, लेकिन वो डायरेक्टर कह रहे हैं कि नहीं नहीं थोड़ी देर और रहो, अभी शॉट और अच्छा होना चाहिए, और इस चक्कर में आग बढ़ गई, वो बेबी फरीदा को भी चोटें आईं और धर्मेंद्र साहब भी ज़रा झुलसे। गनीमत ये थी कि इन्होंने विग पहनी हुई थी, उस विग की वजह से इनका चेहरा बच गया। हाँ, और बहुत इन्हें बहुत सदमा सा लगा कि अगर चेहरे को कुछ हो गया, हो जाता तो फिर हीरो किस बात के रहते, फिर क्या करते, फिर कौन इन्हें कहता कि ही मैन है। तो उस दुर्घटना से बचे, पर ये एक बड़ी अजब याद बन के जो है वो रह गई है। ये बड़ी निराली कहानी, और ऐसी और भी बड़ी ज़बरदस्त दास्तानें कारवां क्लासिक में मैं आपके साथ बांटूंगा, और बड़े ही निराले गाने साहब आने वाले एपिसोड्स में भी आपके साथ बांटे जाएंगे। तो ज़रूर सुनिए कारवां क्लासिक। बेसबब उड़ेगी हर सू तेरे पैरहन की खुशबू, बेसबब उड़ेगी हर सू तेरे पैरहन की खुशबू, इधर तो आ सवार दूं खुले खुले
जगे सू वफा देती है सदा। ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा ना जा कहीं अब न जा। आके खून दिल मिला के भर दूं इन लबों के खाके, आके खून दिल मिला के भर दूं इन लबों के खाके, बुझा बुझा बदन तेरा कंवल कंवल बना के, खिला दूं रंग कहीं अब न जा, दिल के सिवा न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। आज शहर दिल में चल कर सूरत चराग जल कर, आज शहर दिल में चल कर सूरत चराग जल कर, इसी झुकी हुई नजर के काजल से दिल पर लिखे आना में वफा। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा है यही दिल पूछा तेरा है मेरे हमदम मेरे दोस्त। न जा कहीं अब न जा, सेवा ना जा कहीं अब न जा, दिल के सेवा दिल के पसंद की लड़की पसंद की मुश्किल से मिलती है, मिल गई मिल गई। लड़का पसंद का मुश्किल से मिलता है, मिल गया रे मिल गया। लड़का पसंद का मुश्किल से मिलता है, मिल गया मिल गया। लड़की पसंद की मुश्किल से मिलती है, मिल गई मिल गया मिल गई।
मिलते हैं कितने ही लोग मिलते हैं राहों में खिलते हैं कितने ही फूल खिलते हैं बाहों में हो मिलते हैं कितने ही लोग मिलते हैं राहों में खिलते हैं कितने ही फूल खिलते हैं बाहों में दिल का गुलाब दिल का गुलाब दिल का गुलाब ये मुश्किल से खिलता है खिल गया खिल गया लड़का पसंद का मुश्किल से मिलता है मिल गया मिल गई मिल गया जब आते हैं पास दिल भर ये होता है दुनिया कर देती है दूर अक्सर ये होता है ऊंची दीवार ऊंची दीवार ये मुश्किल से गिरती है गिर गई लड़की पसंद की मुश्किल से मिलती है मिल गई मिल गई होता है मुश्किल से मिल होता है मुश्किल से मिलती है आंखों से आंख दिल मिलता है दिल से होता है मुश्किल से मिल होता है मुश्किल से मिलती है आंखों से आंख दिल मिलता है दिल से लेकिन नसीब ये मुश्किल से लड़की पसंद की लड़का पसंद का लड़की पसंद की लड़का पसंद का मुश्किल से मिलते हैं मिल गए। कैसा लगा आपको ये शो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।